ईद के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी, कसाईयों की मुंह मांगे दाम वसूली, अनाड़ियों की भी चांदी हो गई। खाबों के शौकीन लाहौरियों ने नमकीन ईद को बनाया चटपटा। दिन में कलीजी खाने के बाद लाहौरियों ने किया रान रोस्ट की दुकानों का रुख। चटपटे मसालों से तैयार करदा रान जिंदा दिलाने लाहौर के दिल को भा गई। शहरियों ने रान पर खूब हाथ साफ किए। ईद कुर्बा पर घरों में खवातीन खाना ने किचन का महाज संभाले रखा। मजे मजे के पकवान मर्दों ने भी खूब साथ निभाया। शहरियों ने पहले हल्ले में कलेजी पर हाथ साफ किया। डॉक्टर्स का बदपरहेजी से बचने के लिए एहतियात का मशवरा। ब्लड प्रेशर, शुगर और अमराज़े कल्ब के मरीज गोश्त के साथ साथ सब्जियों का भी इस्तेमाल करें। LWMC के शहर में सफाई के दावे धरे के धरे रह गए। सहाफी कॉलोनी हरबंसपुरा में जगह जगह आलाइश ताफुन फैलने लगा। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतलका महकमों को बारहा इत्तला के बावजूद सुनवाई ना हो सकी। नाजायज मुनाफाखोर माहौल दुश्मन बन गए। दफा 144 की खुलम खुला खिलाफवर्जी। रेलवे रोड पर सीढ़ी पाए भूनने का अमल धड़ल्ले से जारी रहा। बकरे और गाय के सीढ़ी पाए के लिए 500 रुपए तक का रेट मुकर्रर। वन व्हीलर्स हो जाएं होशियार, लाहौर पुलिस ने भी कमर कसी। 14 अगस्त पर वन व्हीलर्स के साथ वन व्हीलर्स की मोटरसाइकिल तैयार करने वाले मैकेनिक भी होंगे गिरफ्तार। DIG ऑपरेशंस कहते हैं साबित रिकॉर्ड याफ्ता वन व्हीलर्स की दो नॉकिंग शुरू कर दी गई। बहत्तरवां यौम आजादी, कश्मीरियों की जिद्दोजहद, कुर्बानियों और शहादतों के नाम यौम आजादी का कौमी लोगो जारी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का लहू रंग से लिखा गया स्लोगन और कौमी परचम नुमाया। फ्लैटिस होटल में मुलाजमीन के एजाज में ईद मिलन पार्टी। केक काटने की तकरीब में डायरेक्टर ऑपरेशंस इरशाद पियंचम की खसूसी शिरकत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की मुसम्मत, कश्मीरी भाइयों के लिए आजादी की नेक ख्वाहिशात का इजहार। अदाकारा नरगिस ने अपनी सालगिरह अपने बच्चों के साथ मनाई। बेटे मुर्तजा और बेटी मासूमा ने अपनी वालिदा को सरप्राइज दिया। अदाकारा नरगिस का कहना था कि बच्चों की खुशियों से ही हमारी खुशियां हैं। और बड़ी ईद पर बड़ी एंटरटेनमेंट। ईद उल अज़हा पर 5 पाकिस्तानी फिल्में रिलीज। लॉलीवुड फिल्म पर हर्ष लव, हीर मांझा, सुपरस्टार जोड़ी शेरांदी और पेशी गुजरांदी नुमाइश के लिए पेश। लाहौरियों की बड़ी तादाद ने सिनेमाघरों का रुख कर लिया।